Hello students, and welcome to the next video of the physics. Okay, in this section we are going to discuss about the very important topic, that is the capacitor. Okay, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम इस डे टू डे लाइफ में इन कैपेसिटर से बड़ा ही ज़्यादा इंटरेक्टेड होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो सी हियर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस. पहले आती है व्हाट इज द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी. ठीक है, तो कैपेसिटी इज नथिंग बट इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्जेस बाय द कंडक्टर. अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो वो कितने ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है अपने पास. ठीक है, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोला जाता है. इज दैट क्लियर. ठीक है, तो इसी को फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं. नाउ सी, अगर मैं एक कंडक्टर कंसीडर करता हूं, मेरे पास ये एक तरह का कंडक्टर है इन द फॉर्म ऑफ द प्लेट. किस फॉर्म में है ये, प्लेट की फॉर्म में है. ठीक है, अब मैं इस कंडक्टर को क्या करूंगा, धीरे धीरे चार्जेस प्रोवाइड करवाऊंगा. मान लो जैसे मैंने एक चार्ज प्रोवाइड किया. ठीक है, अब इस चार्ज का एक अपना पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा. ठीक है, जैसे ही मैं दूसरा चार्ज इस प्लेट के ऊपर स्टोर करूंगा तो भाई दो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे. तो भाई इस रिपल्शन के बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इन दो चार्जेस को प्लेट के ऊपर एकोमोलेट करवाया है. ठीक है, सो इन दैट वे इट्स पोटेंशियल गोइंग टू बी इंक्रीज. क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे. जैसे ही हम चार्जेस का अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो इन दैट वे विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दैट द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल इन दैट प्लेट. That means the number of the charges will be increased, the potential will also be going to be increased. ठीक है? On removing this proportionality sign, we get a constant. That constant is represented by C. और इस constant को हम किससे represent करेंगे? C से. Where C represents the capacitance. So the capacitance is nothing but it is the charge per unit potential. कि एक यूनिट पोटेंशियल के ऊपर कितना चार्जेस जो है वो स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोला जाता है. तो कैपेसिटेंस किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रहा है भाई, वोल्टेज के, सॉरी पोटेंशियल के. जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा कैपेसिटेंस उतनी ही कम होगी. ठीक है, मतलब पोटेंशियल्स को हम इसके इग्नोर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास चार्जेस हैं, जितने ज्यादा चार्जेस स्टोर होते जाएंगे कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी उस कंडक्टर की. क्लियर बात. अब ये जो कंडक्टर है, सॉरी कैपेसिटर है ये हमारे पास. ठीक है, कैपेसिटर क्या बोलता है, कैपेसिटर इज द वन काइंड ऑफ द डिवाइस. क्या है, इसी कैपेसिटेंस का है डिवाइस है ये. ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटर नाम देते हैं. तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये वन काइंड ऑफ द डिवाइस है विच कंसिस्ट ऑफ द टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप. इसके पास कंडक्टर होता है. ठीक है, किसी भी शेप में हो सकता है वो कंडक्टर, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर हो सकता है या तो फिर वो पैरेलल प्लेट्स के कंडक्टर्स हो सकते हैं या लाइन कंडक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, किसी भी शेप में ये कंडक्टर हम ले सकते हैं. तो कंसिस्ट ऑफ द टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप सेपरेटेड बाय द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल. अब इसको नॉन कंडक्टर मटेरियल से क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा नॉन कंडक्टर मटेरियल यूज करने का फायदा हमें यह होता है कि वहां पे इंड्यूस्ड चार्जेस की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, सो नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू स्टोर दैट चार्जेस, उन चार्जेस को स्टोर करने की ही कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलता है. ये एक तरह का फिनोमिना है कैपेसिटी. ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी है उस कंडक्टर की. और इस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोला जाता है. यानी कि जिस कंपोनेंट के अंदर हम उस चार्जेस को स्टोर करते हैं तो उस कंपोनेंट को हम क्या नाम लेते हैं, कैपेसिटर होते हैं. ठीक है, एंड द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर इज हियर इन द बोर्ड. क्या होता है कि दो पैरेलल लाइंस लगानी है यहाँ पे, खास करके ध्यान रखना है बैटरी नहीं बनानी है. बैटरी में क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन छोटी होती है और एक दूसरी वर्टिकल लाइन बड़ी होती है. लेकिन इस केस में हमने दोनों वर्टिकल लाइंस जो है वो इक्वल साइज की बनाई. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर्स के सिंबल को. ये है फिक्स्ड कैपेसिटर और जब हम एरो लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल कैपेसिटर को. ठीक है,
अब इसकी यूजेस कहाँ पर होते हैं, दे आर द मैनी ऑफ द यूजेस ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम फैन की बात करते हैं तो फैन में भी कैपेसिटर यूज होता है, टेलीविजन देख लो, मोटर, रेडियो, हर एक इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, एक तरह की एनर्जी को ये स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने पास, और जब जरूरत होती है तो उस एनर्जी को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का काम होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो अपने पास एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, चार्जेस जो होंगे नेगेटिव पॉजिटिव के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में तो इलेक्ट्रिक लाइन्स और फोर्सेस तो चलती है, तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर, तो ये किस फॉर्म में स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिक सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई ये कैपेसिटर जो है ये हमारे कंपोनेंट्स में काम कैसे करता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, सो हियर सी, वी आर टेकिंग द पाइप, एक इल्यूस्ट्रेशन देख लेते हैं हम इसमें, कि मैंने एक पाइप कंसीडर किया पानी का। ठीक है, तो पानी का फ्लो यहाँ से इस तरह से होगा कुछ, जैसे मैं बॉल को ओपन करता हूँ तो पानी का फ्लो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है, अगर मैं इस बल्ब को और ऑफ करता रहूं तो क्या होगा, पानी का फ्लो जो होगा कभी कम हो जाएगा एकदम से, कभी ज्यादा हो जाएगा एकदम से। ठीक है, तो इसी तरह के डैमेज को रोकने के लिए, क्योंकि एकदम से फ्लो आ रहा है, यहाँ पे वाटर की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल बताया हुआ, की को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसको जाएगी, इस बल्ब को जाएगी, ऑफ कर देता हूँ तो बंद हो जाएगा, फिर ऑन करूंगा तो फिर ये सप्लाई इसको जाएगी, मतलब ये डायरेक्ट करंट जो है इसको जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट की सप्लाई रहती है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती है, दैट विल बी अ वेरी फ्लक्चुएट करती रहती है। तो ये उसी की तरह ये पाइप है, पाइप का बल्ब ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्लो कम हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, आगे जो कंपोनेंट लगा होगा तो उसके ऊपर ज्यादा उसमें हैवी लोड आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो कंपोनेंट का खराब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये बल्ब जो है एकदम से ऑन ऑफ हो रहा है तो उसके खराब होने के चांसेस जो है वो बड़े ही ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो कैपेसिटर जो है कैसे काम करता है उसको देखो आप। अब सेम वही चीज मैंने दोबारा फिर से ली, वाटर फ्लो यहाँ पे करवाया और ये है मेरे पास बल्ब। ठीक है, बल्ब को अब मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये पानी इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो पानी का फ्लो बड़ा ज्यादा है तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा टैंक में। तो ये टैंक में, ये टैंक इसकी तरह काम करेगा, ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे अब इसकी सप्लाई बंद भी कर देता हूँ फॉर अ वेरी शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से टाइम के लिए मैंने इसकी सप्लाई बंद कर दी, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो है आगे वाला जो कंपोनेंट है उसको सप्लाई जो है कंटिन्यू रखेगा, कब तक, जब तक ये अपना पूरे चार्ज को यहाँ पे डिसिपेट ना कर दे, तब तक ये सप्लाई देता रहेगा। मान लो अगर मैं मोमेंशियली इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बंद किया तो उसका ऑन कर दिया, बंद किया ऑन किया, तो इस वाले कंपोनेंट को जो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लगाया है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जा रही है उसको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बीच में क्या यूज कर लिया है, कैपेसिटर यूज कर लिया है। कैपेसिटर क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, ये को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो एक तरह से एनर्जी को स्टोर कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं ऑन ऑफ कर रहा था तो यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा था वो उसके ऊपर बड़ा ज्यादा हैवी लोड हो जा रहा था। ठीक है, तो उसके खराब होने के चांसेस बढ़े जा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह आगे क्या यूज कर ली, कैपेसिटर वाटर टैंक का यूज किया जो कि कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। अब मैं चाहे इसको ऑन ऑफ करता भी रहूंगा तो इस आगे वाले कंपोनेंट के ऊपर कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो इस कैपेसिटर के पास सफिशियंट एनर्जी है कि वो एनर्जी को किसको सप्लाई करेगा, आगे वाले कंपोनेंट को। तो उतने ही टाइम में ये दोबारा फिर से ऑन हो जाएगा तो फिर से इसको सप्लाई भेजेगा। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी, यानी कि इसके आगे जो भी कंपोनेंट लगा होगा उसको एक कांस्टेंट सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कैपेसिटर जो है वो काम करता है। इन द सिमिलर एनालॉजी हियर इलेक्ट्रिकल सर्किट, अगर मैं इसकी को ऑन ऑफ करता रहूंगा तो बल्ब एकदम से ग्लो एकदम से बंद, एकदम से ग्लो एकदम से बंद होता रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर ज्यादा लोड बढ़ रहा है। अगर मान लो इसकी जगह मैं यहां पे क्या करता हूं, कैपेसिटर का यूज कर लेता हूं,
ठीक है। अब मैं इस सप्लाई को ऑन करूंगा तो बल्ब एकदम से ग्लो नहीं करेगा, क्या होगा, पहले चार्जेस जो है वो, जैसे मैं इसको क्लोज किया तो पहले चार्जेस यहां को जाएंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा, सेम यही है, जब ये फुली चार्ज हो जाए, फुल टैंक भर जाएगा, तब जाकर कि ये अपनी सप्लाई किसको भेजेगा, आगे वाले कंपोनेंट को। अब ये अपनी सप्लाई किसको भेजेगा, यहाँ पे इस बल्ब को भेजेगा, यानी कि बल्ब अब जो है धीरे धीरे ग्लो करेगा, एकदम से ग्लो नहीं करेगा, ये धीरे धीरे ग्लो करेगा। फिर क्या हुआ, अगर जैसे ही मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, टैप को कर दिया, तो ये एकदम से बंद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी कैपेसिटर मैंने लगा दिया है बीच में, तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी किसको सप्लाई करेगा, बल्ब को सप्लाई करेगा, ठीक है, करता रहेगा। अगर पीछे से कोई सप्लाई नहीं आएगी तब जाकर के ये बल्ब धीरे धीरे बंद होगा, एकदम से बंद नहीं होगा, धीरे धीरे बंद होगा। किसकी वजह से, क्योंकि कैपेसिटर ने अपने चार्जेस इसको दे दिए। अगर मैं एकदम से टैप करता रहूंगा इस की को, तो यहाँ पे इस बल्ब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज सच ही ग्लो करता रहेगा, क्यों, क्योंकि जब मैं टैप कर रहा हूँ तो ये चार्ज कैपेसिटर जो है चार्ज हो जा रहा है और अपनी सप्लाई इसको भेज देगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो कैपेसिटर के पास सफिशियंट एनर्जी होगी उतने टाइम के लिए कि वो अपनी सप्लाई किसको देता रहेगा, इस बल्ब को देता रहेगा, तो बल्ब ग्लो करता रहेगा। जबकि यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करता रहूंगा तो इसके ऊपर कोई ज्यादा हैवी लोड नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारा एक कैपेसिटर जो है वो काम करता है और एक स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो हमारे कंपोनेंट जो जितने भी हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए हम कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। यूजुअली कैपेसिटर्स जो होते हैं अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं, कुछ इस तरह से कैपेसिटर्स देखने को आपको मिल जाएंगे, या तो फिर इस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं हमारे कंपोनेंट्स, इस तरह से कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर एक इस तरह से, सॉरी सिलेंड्रिकल ये और ये स्फेरिकल शेप में आपको किसी भी फॉर्म में ये कैपेसिटर जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काम है हमारे कैपेसिटर्स का इन द इलेक्ट्रॉनिक और एज वेल एज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो सिंपल साइज का ये वर्किंग है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर।